डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैफी एकेडमी। आज फिर से हम लोग एक न्यू ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज गिवेन हेयर, अंडर रूट 5 अगेन अंडर रूट 5 अगेन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 125 टू द पावर एक्स। फॉर गेटिंग आवर रिजल्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, वी विल use the squaring both sides method and applying exponent laws। हम लोग यहाँ पर squaring both side method और exponent का laws use करके इस questions को solve करेंगे। तो आइए start करते हैं squaring both sides। we get under root 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 2x। एक्सपोनेंट का लॉज यूज करके हम लोगों ने ये पाया। अगेन स्क्वायरिंग both sides, 5 under root 5 का square is equal to 125 to the power x का whole square। So this will be 5 square and this square root be cancelled by this square, so we will get 5 under root 5 is equal to 2 to the 4 means 125 to the power 4x. So it has become 5 to the power 3 under root 5 is equal to 125 to the power 4x। अब हमारे पास देख रहे हैं कि फिर से एक रूट का टर्म बचा हुआ है, फिर से हम लोग एक बार स्क्वायरिंग करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so 5 to the power 3 into under root 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट 3 टू जा 6 यानी 5 का पावर 6, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो 5 इज इक्वल टू 125 का पावर 8x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 1 मींस 5 टू द पावर 7। नाउ व्हेन वी फैक्टराइज दिस 125 देन वी विल गेट 5 टू द पावर 3 टू द पावर 8x। देयर इंप्लाइज 5 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 8 जा 24x। अब हम फॉर्मूले जानते हैं एक्सपोनेंट के लॉ से, डैट a टू द पावर x is equal to a to the power 3, then we will get x is equal to 3. So likewise we will use this formula here also. So we will get 7 is equal to 24x। यहाँ पर बेस दोनों का सेम है तो हमने पावर को इक्वेट किया। So therefore x is equal to 7/24, this is our required result। So friends, it was the tricky question of today's class। फिर से हम लोग एक new tricky questions लेकर के present होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, thanks for watching us।